नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अमेठी उत्तर प्रदेश से आ रही है। बेटे को गायब करने वालों के खिलाफ जायज पुलिस नहीं दर्ज कर रही है मुकदमा। अवैध संबंध में अनहोनी की आशंका, पीड़िता ने एसपी व डीएसपी से की शिकायत। मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के जायस कस्बे का है। पीड़िता किताबुल निशा पत्नी स्वर्गीय जब्बार निवासी कस्बा जायस ने अमेठी एसपी दिनेश सिंह व जिलाधिकारी अरुण कुमार को दिए शिकायत पत्र में लिखा है कि उनका पुत्र खुर्शीद आलम अपनी पत्नी मशहरी एवं कलीम पुत्र नादिर कंचाना मोहल्ला जायस हयात अमजद पुत्र हयात निवासी तकिया पोस्ट सत्थिन थाना शुक्ल बाजार जनपद अमेठी जो कि खुर्शीद आलम का साला है के साथ एक माह पूर्व शहर में मजदूरी करने को कहकर गया था। दिनांक 11 नवंबर 2020 को खुर्शीद आलम की पत्नी मशहरी बाइक से किसी के साथ मेरे घर जायस आई और कपड़े जेवरात व जरूरी सामान बैग में भरकर लेकर जाने लगी तो पीड़िता ने पूछा कि खुर्शीद कहां है तो मशहरी ने कहा हमें पता नहीं कहां है। पीड़ित मां को शक हुआ तो बेटे खुर्शीद के मोबाइल नंबर पर संपर्क करना चाहा लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। पीड़िता ने तब जायज कोतवाली में लिखित तहरीर दी लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता ने यह भी लिखा कि कलीम पुत्र नादिर का मशहरी से नाजायज संबंध पहले से थे और उसी ने मेरे बेटे खुर्शीद को गायब कर दिया है और जायज पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार भी किया है फिर भी खुर्शीद का अभी तक पता नहीं चल सका है। पीड़िता किताबुल निशा ने अमेठी एसपी व जिलाधिकारी से दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमेठी से ब्यूरो चीफ अनिल दुबे के साथ कौन एन मदार की रिपोर्ट।